हेलो इंजीनियर, आप सभी का स्वागत है सिविल गुड या सिविल टेस्ट में। मैं हूं कॉपरेटर इंजीनियर पंकज कुमार। आज मैं आपको बताने वाले हैं बीम में स्टीरअप कैसे निकालते हैं। अगर आप साइट पे काम करवा रहे हैं और बीम का स्टीरअप आपको कटिंग लेंथ निकालना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। जैसे कि इंजीनियर देखें, हमारे पास एक बीम का सेक्शन दिया हुआ है 250x300 का। बीम का हमारा साइज दिया हुआ है तो 250x300 में हमारा ये 250 क्या हो गया, ये हमारा विड्थ हो गया और 350 इसका क्या हो गया, बीम का हाइट हो गया, ये डेप्थ, यानी कि बीम हमारा कितना चौड़ा रहेगा 250 और कितना गहरा रहेगा 350। अब इसका वो क्या निकालना है, स्टीरअप का हमको कटिंग लेंथ निकालना है। और स्टीरअप का कटिंग लेंथ हम कब निकाल सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कवर कि बीम में हम कवर कितना प्रोवाइड करते हैं। तो बीम में कितना कवर प्रोवाइड करते हैं हम लोग, 25 mm का, यानी कि चारों डायरेक्शन से सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीम का कवर लगाएंगे 25 mm का। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेन वायर है बीम का, और इसके अंदर ये जो ब्लू वाला ये क्या है, स्टीरअप है। अब स्टीरअप का हमको क्या निकालना है, कटिंग लेंथ निकालना है। तो स्टीरअप का ये हमारा पोर्शन क्या है, ये हुक का आता है, ये हमारा हुक, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, इधर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अगर सबसे पहले हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो यहाँ से ए से ये बी जो हमारा हुक हो गया, अब ये बी से सी, सी से ये डी की दूरी, डी से फिर क्या आ जाएंगे ई, और ई से फिर यहाँ पे ये F, और फिर ये क्या एफ से जी क्या है हुक। अब हम देखेंगे हुक हमारा कितना डिग्री में बेंड है। अगर हुक हमारा अगर 90 डिग्री पे बेंड है तो कितना लेंगे, 10 डिग्री, और 135 पे बेंड है तो कितना लेंगे, 12 डिग्री। यहाँ पे कितना बेंड है, 135, यहाँ पे हमारा 135 पे बेंड है, तो कितना लेंगे हुक हमारा, 12 डिग्री। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कटिंग लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, ए से बी जो हमारा क्या है हुक है, फिर क्या हो जाएगा बी से, अब बी से सी के बाद क्या आएगा, सी से डी, यहाँ लिख दिया हम सी से डी प्लस फिर डी से ई, लिख दिया डी से ई, अब ई से एफ हमारा हो गया, ई से एफ, और फिर क्या आएगा एफ से जो हमारा क्या है हुक है, वो यही है ना। अब स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालने के लिए 2 मीटर, एक सेंटर टू सेंटर, अगर सेंटर टू सेंटर लेते तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेंड डिडक्शन ही करना पड़ेगा, और एक हमारा क्या आउटर टू आउटर, अगर आउटर टू आउटर करेंगे तो हमारा वहां पर क्या कंसीडर करना पड़ेगा, बेंड डिडक्शन। तो ये हम लोग सीखते हैं कि सेंटर टू सेंटर निकाल के कैसे स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालेंगे। अब सेंटर टू सेंटर निकालने के लिए हमको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी, जो यहां पे हम लोग क्या लिखे हैं ए, ये हमारा ए हो गया, फिर किसके सेंटर से ये दूरी, ये हमारा क्या बी, ठीक है। तो सबसे पहले ए से बी हमारा क्या हो गया, ये हुक, फिर बी से सी क्या, ये बी, इसका लेंथ हम क्या माने सेंटर टू सेंटर पे बी, फिर सी से डी, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना ए माने, फिर डी से ई हमारा क्या हो गया, डी से ई बी, और ई से एफ हम कितना इसके सेंटर से इसके सेंटर दूरी, यही दूरी है ए, और एफ से जी हमारा क्या हो गया, वो लेंथ हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2a और 2b हो गया, एक ए और एक ये 2a हो गया, इसी तरह 2b हो गया, दोनों में से दो क्या कर लिए कॉमन निकाल लिए, ए प्लस क्या हो गया बी हो गया, ये प्लस में क्या हो गया 2 × 2 हुक है, एक और दो दो हुक है। अब हमें निकालना क्या है, ए और बी, अब ए और बी निकालना, ए कैसे निकलेगा, ए के लिए देखें टोटल कितना हमारा ये 250 250 अब 250 में इधर से एक कवर माइनस होगा 25। अब इसके सेंटर पे आना था, स्टीरअप हमारा कितना 8 mm का, इसके सेंटर पे आने के लिए कितना करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा, -4। अब इस डायरेक्शन से सेंटर पे आते हैं, इधर से ये कवर माइनस करना पड़ेगा कितना 25, -25 -4।
क्लीयरेंस के सेंटर पे आने के लिए माइनस फोर कितना हो जाएगा ये 192 mm। अब ऐसे हमको बी निकालना इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, तो बी के लिए क्या हो जाएगा टोटल कितना है 350 यहाँ लिखेंगे 350 माइनस ये कब है 25 का 25 सेंटर पे आना है तो हाफ पे माइनस 4। अब से किस डायरेक्शन से क्या करते हैं सेंटर पे, तो ये कब है 25 सेंटर पे आने के लिए माइनस 4 हाफ तक कितना आ जाएगा ये 292 mm। अब हमारा ए निकल गया और बी निकल गया, अब इसमें क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू ए कितना था 192 प्लस बी कितना आया 292 प्लस 2 इंटू अब बुक लेंथ हमें चाहिए yes, तभी बताया अगर 90 डिग्री पे हमारा बेंड है तो कितना 10D अगर 135 पे है तो कितना 12D डी क्या होगा डाया ऑफ बार जितना एम का हम बार यूज कर रहे हैं स्टीरअप के लिए यहाँ पे कितना 135 बेंड है yes, यहाँ कितना हो जाएगा 12D 12D कितना डाया है 8 एम का तो कितना हो जाएगा 8। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा हमारा ये 9, 6, 8, 1, 92। अगर हमारे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर इंजीनियर्स आप भी सीखना चाहते हैं इसी तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज कि बीम में स्टीयर का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, कॉलम का डिटेल जानना चाहते हैं, स्टीयर का डिटेल जानना चाहते हैं, स्लैब का डिटेल जानना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 9111001234 पे और पता करें अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। मिलते हैं जैसी जगह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।